हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WsCube टेक। आज हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। कमेंट्स आप ऐड कैसे करते हैं, डिलीट, एडिट, ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे आज कमेंट के अंदर। देखिए कमेंट होता क्या है, कमेंट हम जब पोस्ट ऐड करते हैं तो पोस्ट को जब यूजर क्या करता है, देखता है। देखने का मतलब उसके डिटेल वाले पेज पे जाता है तो वहां पे कमेंटिंग का ऑप्शन वर्डप्रेस आपको देता है डिफॉल्ट में। मतलब आप कोई सी भी थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ्रंट हैंड में, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर कमेंटिंग का ऑप्शन जरूर होगा, वो भी किसके अंदर, पोस्ट के अंदर। आप वहां से क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए कमेंट करने के बाद जब आप कमेंट कर देंगे तो कमेंट, मान लीजिए आपने एक पोस्ट पे कमेंट किया, गुड, कुछ भी कमेंट किया, वो कमेंट क्या होता है, आपका तुरंत अप्रूव नहीं होता है। अगर एडमिन ने कमेंट किया है तो तुरंत अप्रूव हो जाएगा। अगर किसी नॉर्मल यूजर ने आपकी वेबसाइट को देख के क्या है, कमेंट किया, तो वो विदाउट अप्रूव कमेंट आपका वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। अप्रूव कौन करेगा, जो आपकी वेबसाइट को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, जो एडमिन पैनल देखता है। एडमिन पैनल से आपका कमेंट क्या होगा, अप्रूव होगा। अगर एडमिन पैनल आपके पास नहीं है, आप एक नॉर्मल यूजर हो, तो आप केवल कमेंट दे सकते हो, आपका कमेंट अप्रूव नहीं होगा। एडमिन पैनल से क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो कमेंट को रीड करता है। कमेंट अगर सही होता है तो वो उसको क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, नहीं तो वो कमेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये सारा हम प्रोसेस देखने वाले हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरी वेबसाइट है, हमें कहां पे जाना है, ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग के अंदर गए, ब्लॉग के अंदर ये सारे पोस्ट दिख जाएंगे जो ऐड किए थे। देखिए यहाँ पे मैं पहले पोस्ट पे ही क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एडमिन क्या है, लॉगिन है, तो यहाँ पे आपसे कमेंट ही पूछ रहा है डायरेक्ट। अगर आप लॉगिन नहीं होते, लॉगिन नहीं होने का मतलब आपने लॉगिन नहीं किया है डैशबोर्ड को, तो आपसे वो चार ऑप्शन पूछता, नेम, URL, ईमेल, ये पूछने के बाद ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं। अभी केवल एक ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा गाइस कि अगर यहाँ पे आप कुछ लिख के पोस्ट कमेंट करते हैं वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिन कमेंट कर रहा है। एडमिन के कमेंट करने के लिए वो अप्रूवल नहीं मांगेगा, वो तुरंत ही यहाँ पे क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। अब हम क्या करते हैं, लॉग आउट करने के बाद कमेंट करते हैं। देखिए लॉग आउट करने के बाद कमेंट करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो लॉग आउट करने के लिए मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डैशबोर्ड को लॉग आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया, इसको रिफ्रेश करने के बाद देखिए थोड़ा इंटरफेस चेंज हो जाएगा आपके पास। देखिए कमेंट है, नेम है, ईमेल है और वेबसाइट है, ये सारी चीजें वो क्या कर रहा है, आपसे मांग रहा है, क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो। लॉगिन नहीं हो तो वो आपसे डिटेल मांगेगा कि आप ईमेल आईडी, नेम और यहाँ पे कमेंट लिखिए। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट करने का मतलब मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, गुड, और नेम मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने नेम लिख दिया यहाँ पे प्रदीप, और ईमेल आईडी लिख दी pradeepraye@wscubetech.com, और वेबसाइट का लिंक आप wscubetech.com यहाँ पे दे दीजिए, या आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप इस चेकबॉक्स पे चेक कर दे तो ये आपकी डिटेल इसके अंदर क्या कर देगा, सेव कर देगा। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑटो सेव इसके अंदर आएगा, बस कमेंट वाला ऑप्शन नहीं सेव होगा, क्योंकि आप वहां पे क्या करेंगे, कमेंट देंगे। तो मैं चेकबॉक्स को चेक नहीं करता हूं और यहां से पोस्ट कमेंट कर देता हूं। देखिए पोस्ट कमेंट करने के बाद यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, योर कमेंट इज अवेटिंग अ मॉडरेशन। देखिए कमेंट मॉडरेशन का मतलब ये हुआ कि अभी आपका कमेंट अप्रूव नहीं हुआ, जैसे ही आपका कमेंट अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। एक साथ मान लिया जाए कि यहाँ पे तीन यूजर इसी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, तो तीनों ने कमेंट किया तो तीनों का कमेंट एक साथ डिस्प्ले नहीं होगा। आप अपना अभी देख पा रहे हैं क्योंकि अभी किया है, मान लिया जाए कोई दूसरा यूजर ने कमेंट किया वो भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक एडमिन उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप कमेंट को यहाँ पे देख नहीं सकते। तो ये तो था कि कमेंटिंग हम देते कैसे हैं। आप किसी और पे भी पोस्ट पे कमेंट दे सकते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर कमेंटिंग का ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। अब देखिए अब हम देखते हैं कि कमेंट को हम अप्रूव कैसे करेंगे, या कमेंट को मान लीजिए डिलीट करना है, या कमेंट को थोड़ा एडिट करना है। मान लीजिए कि किसी यूजर ने कुछ गलत लिख दिया और आप उसको एडिट करके अप्रूव करना चाहते तो वो कैसे करेंगे, ये पूरा हम प्रोसेस अभी देखने वाले। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, हम लॉग इन करेंगे क्योंकि लॉग इन करने के बिना नहीं होगा। लॉग इन हम कर लेते हैं डैशबोर्ड को, एडमिन और एडमिन। देखिए लॉग इन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है कमेंट्स, यहाँ पे सारे कमेंट आते हैं। मान लिया जाए आपने 10 कमेंट किए होंगे, सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और जितने भी पोस्ट में कमेंट है वो सारे यहाँ पे क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। तो हम कमेंट्स में जाते हैं। देखिए कमेंट्स में जाते ही आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अप्रूव करना है तो अप्रूव कर दीजिए, अगर कोई रिप्लाई देना है तो रिप्लाई यहीं से देगा, एडमिन ही देगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। कोई नॉर्मल यूजर एडमिन को लॉगिन तो कर नहीं सकता, यहाँ से एडमिन करेगा। क्विक एडिट करके कुछ एडिट करना चाहते हो, एडिट अगर आपने यहाँ से स्पैम कर दिया तो स्पैम में चला जाएगा, अगर आप ट्रेस कर देते हैं तो ट्रेस में। स्पैम करने का मतलब है
कि इसके अंदर आपने कोई ऐसा मैसेज लिखा है जो मुझे चाहिए ही नहीं। जैसे आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन करने के लिए आपने कमेंट में अपना यूआरएल डाल दिया, या आप बता रहे हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा प्रमोशन टाइप का आप करेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर आके, तो वो क्या होता है, एक स्पैम होता है। तो आप यहां से उसको स्पैम भी कर सकते हैं। बस अप्रूव होगा तभी आपका कमेंट वेबसाइट में डिस्प्ले हो सकता है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं होगा। अगर यहां से ट्रेस कर देंगे तो कमेंट आपका ट्रेस में चला जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा, ट्रेस से जाके आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए ऐड तो हमने कर दिया, ऐड कहां से होता है, वेबसाइट से। यूजर क्या करता है, कमेंट देता है, कमेंट देने के बाद एडमिन उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। देखिए मैं यहां से जाके कमेंट को क्या कर देता हूं, अप्रूव कर देता हूं। देखिए जैसे ही आप इसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद आप वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपका कमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने दिया था ये रागवर्ड, देखिए ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, क्योंकि यही मैंने क्या किया था, कमेंट यहाँ पे लिखा था। अब आगे दूसरा आप कमेंट करेंगे, दूसरा कमेंट करने के बाद फिर एडमिन अप्रूव करेगा। मगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जब एडमिन कमेंट कर रहा है तो वो आपसे अप्रूवल नहीं पूछेगा। और आप इस कमेंट का क्या कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे जस्ट रिप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक्स, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्ट कमेंट कर दिया। देखिए थैंक्स तुरंत दिख जाएगा, क्यों तुरंत दिखेगा, क्योंकि एडमिन ने उसको थैंक्स कहा है। जब एडमिन ने उसको थैंक्स कहा है तो उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो कमेंटिंग अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, मान लिया जाए आप इस कमेंट को डिलीट ही करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे एडमिन में और यहाँ से आप इसको ट्रैश में भेज दीजिए। ट्रैश में गया, यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे, ये कमेंट यहाँ से हट जाएगा। देखिए देखिए यहाँ से हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, ट्रैश में कर दिया। ट्रैश में करने का मतलब वो एक तरह से डिलीट ही हो गया, एडमिन में है, एडमिन उसको अंडू करेगा तो दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए अंडू करना होगा तो कैसे करेंगे, मान लिया जाए उसको आप कंट्रोल जेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रैश में जाएंगे, ट्रैश में जाके आप इसको रिस्टोर कर दीजिए या डिलीट परमानेंटली कर दीजिए। डिलीट परमानेंटली कर देंगे तो ये आपके पैनल से ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं यहाँ से रिस्टोर कर देता हूँ। देखिए रिस्टोर करने के बाद कमेंट्स में जाते हैं, देखिए दो कमेंट्स मेरे पास दिख रहे हैं, एक एडमिन ने दिया है और एक कौन सा है, जो नॉर्मल यूजर ने क्या किया था, आपकी वेबसाइट पे आके कमेंट किया था। ये दो कमेंट आपको क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं। अगर आप ये कमेंट ये यहाँ से पूरे डिलीट मार देते तो एडमिन वाला भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसी पोस्ट पे उसने रिप्लाई किया है, जो आपने कमेंट किया था गुड उसी पे उसने रिप्लाई किया थैंक्स, तो वो दोनों ही हट जाते हैं। क्यों दोनों हट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको अपने मैसेज को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एडिट पे क्लिक करते ही आपके सामने आ गया कि जैसे मैंने यहाँ पे गुड वन लिख दिया और अपडेट कमेंट कर दिया। अपडेट कमेंट करते ही जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो गुड वन आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आप, ये मैंने अपने आप किया है, मतलब कहाँ से किया, एडमिन पैनल से। देखिए यूजर आपके कमेंट को एडिट नहीं कर सकता है, जो यूजर ने एक बार कमेंट दे दिया वो फिक्स हो गया। अगर एडिट करना ही होगा तो कमेंट को कौन एडिट करेगा, एडमिन एडिट करेगा। तो आज हमने देखा कि हम पोस्ट पे कमेंट कैसे देते हैं, पोस्ट पे कमेंट देने के बाद हम उसको अप्रूव कैसे करते हैं, अगर ट्रैश में करना हो तो ट्रैश में कैसे करेंगे, डिलीट परमानेंटली करना हो तो कहां पे ऑप्शन आता है, ये सारा प्रोसेस आज हमने देखा। थैंक यू सो मच गाइस।